स्टूडेंट आई एम वाजिद अली कम्बो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर थ्री और आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लॉ स्टूडेंट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तकरीबन हर साल uh, इस टॉपिक से या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे एम सी क्यू तो लाजमी आएगा या ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन क्या आता है स्टेट डाल्टन ला पार्शल प्रेशर एंड डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन तो डाल्टन लॉ के आप स्टेटमेंट लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे और फिर यही एप्लीकेशन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसको आप लिखेंगे स्टूडेंट डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन और इनके से रेलेवेंट कौन से एमसीक्यू आते हैं इनसे रेलिवेंट कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए हम इसको कॉन्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ में स्टूडेंट मैं आपको फोर एप्लीकेशन स्टडी कर रहा गैसेस ओवर वाटर पानी के ऊपर गैसेस को इकट्ठा करना कलेक्ट करना बुनियादी चीज जरा समझेगा जब हम गैसेस जब हम गैसेजरटरी में गैसेस को प्रिपेयर करते हैं ना तो हमारा वास्ता दो तरह की गैसेस से पड़ता है सम गैसेस आर है सो दे कैन ईजीली कुलेक्टेड डायरेक्टली इन चार लेकिन वो गैसेज विच आर लाइटर दैन एयर दे कैन नॉट इजली वो गैसेज जो हवा से हल्की होती हैं लाइक दैट ऑफ फीरियम है हाइड्रोजन है नियोन है दीज गैसेज आर लाइटर दैन एयर सो दे मस्ट भी कुलेक्टेड ओवर द वाटर और यू मे से दे आर कुलेक्टेड बाय द डिसप्लेसमेंट ऑफ वाटर कलेक्टेड ओवर द वाटर कह ले या कलेक्टेड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कैसे स्टूडेंट uh, ये देखें ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है इस टेस्ट ट्यूब में जिंक और एसिड का रिएक्शन हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन एच टू गैस इज प्रोड्यूस एंड यू नो हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर हवा से हल्की होती हमने uh, इसमें देखा द हाइड्रो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस पासिस थ्रू वाटर एंड कोलेक्टेड इन अ गैस चार जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में बी हाइव शेल्फ के ऊपर हमने रखा अब ना ये जो हाइड्रोजन गैस गैस चार में कोलेक्ट हो रही है सम वाटर मालिक्यूल ऑल्सो अवेपोरेट एंड मॉइस द गैस जब ये जैसे, जैसे जैसे गैस इसमें फिल होती जाती है वैसे वैसे, वैसे वाटर जो है उसका लेवल कम होता जब यह गैस जार मुकम्मल तौर पर गैस से भर जाएगा हम इसको सीधा करके रखेंगे अब ये जो मेरे पास गैस जार आ गया इस गैस जार में प्योर हाइड्रोजन गैस नहीं है स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस के साथ साथ इस गैस जार में अब वाटर वेपर्स भी है इट मींस दिस गैस जार हैज मिक्सचर ऑफ टू गैसेस आई मीन हाइड्रोजन गैस एंड वाटर वेपर्स अब मैं इस मिक्सचर को कह देता हूं दिस वन इज मॉइस्ट गैस मॉइस्ट गैस नमी वाली गैस अब टोटल प्रेशर ऑफ दिस मॉइस्ट गैस यानी पी मॉइस्ट दैट इज कल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर यानी मैं लिख सकता हूं कि टोटल प्रेशर ऑफर मिक्सचर ऑफ गैस मैं मिक्सचर को कह रहा हूं मॉइस्ट गैस टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज़ इक्वल टू पार्शल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एच टू ओ अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पी एच टू ओ ये क्या है पार्शल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है क्या और इसकी वैल्यू हम कहा से देंगे स्टूडेंट पार्शल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है द पार्शल प्रेशर दैट वाटर वेपर एग्जर्ट जो वाटर वेपर एग्जर्ट कर रहे हैं एट पर्टिकुलर temperature is constant and is called very important term and is called aqueous tension the partial pressure that water vapors exert अ कांस्टेंट यानी वाटर वेपर्स का जो पार्शियल प्रेशर होता है ये कांस्टेंट होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और आप इसको एक्वस टेंशन भी कह सकते मखसूस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर उसकी वैल्यू आपको टेबल्स मिल मिल हैं ये मेरे पास स्टूडेंट इस टेबल में एक साइड पे टेम्परेचर है और दूसरी साइड पे आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है यही वेपर प्रेशर वाटर इसे मैं पार्शल प्रेशर कह रहा हूं इसे मैं एक्वस टेंशन कह रहा जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी पर वाटर का वेपर प्रेशर यानी पार्शल प्रेशर नोट करें एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड द पार्शल प्रेशर ऑफ वाटर एट टॉर याद रखना है अभी कैलकुलेशन में काम आएगा तो इसका मतलब हुआ कि द पार्शल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स जिसे हम एक्वस्टेंशन कह रहे हैं इसकी वैल्यू आपको लिटरेचर से मिल जाएगी और अगर मैं पार्शल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लेना चाहूं तो वेरी सिंपल आप इसको इधर ले जाएं उसमें से माइनस करें तो आपके पास पार्शल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कल टू टोटल प्रेशर आई मीन प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस्टेंशन आई मीन पार्शल प्रेशर ऑफ वाटर मैं आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन वेरी सिंपल इससे रेलिवेंट क्वेश्चन क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि टोटल प्रेशर ऑफ मोइस्ट गैस आई मीन पी मोइस्ट इज 758 टॉर एट 25 फाइव डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट पार्शल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इनमें इसी सेंस में ये जो अभी आपका एग्जांपल बताई उसी सेंस में मैं हाइड्रोजन का पार्शल प्रेशर अब इसमें देखें, हमारे पास ये इक्वेशन है यानी पार्शल प्रेशर अगर मैं आंसर की तरफ आऊं पार्शल प्रेशर फॉर हाइड्रोजन हम जानना चाहते हैं ये हमें टोटल प्रेशर मॉइस्ट गैस दिया गया टॉर अब हम माइनस करेंगे प्रेशर फॉर वाटर आई मीन टेंशन टेंशन और आप किस टेम्परेचर बता दिया गया ट्वेंटी तो अभी जो हमने टेबल पढ़ा था उसमें मैंने आपको वैल्यू हमने कितनी पढ़ी थी ट्वेंटी थ्री पॉइंट तो so, अब आप क्या करेंगे सेवन फिफ्टी एट में से ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट इसको माइनस कर देंगे पार्शलोजन वी कैलकुलेट इज रफली सेवन थर्टी फोर इस तरह आप ऐसी गैस विच इज लाइटर देन एयर जिस जिसको आपने वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जिसको आपने डिस्प्लेसरूम वाटर से हासिल किया उस गैस का पार्शियल प्रेशर इस फार्मूले के जरिए इस कैलकुलेशन के जरिए फाइंड आउट कर सकते ऑल दिस इज ऑल दिस वन इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉटर अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे पास दूसरी एप्लीकेशन है प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन स्टूडेंट रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन इज द इनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस रेस्पायरेशन में फूड ऑक्सीडाइज हुई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स और हीट प्रोड्यूस वो ऑर्गेनिज्म जो है उस हीट को डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करता है अब दो चीजें हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है एक फूड का ऑक्सीडाइज होना वहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर है ये याद रखना है कि रेस्पायरेशन दो तरह की होती है एरोबिक और एन एरो मैं एरोन की बात कर रहा हूं ऐसी रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती तो इसका मतलब है और ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस एनिमल्स के अंदर माइटोकाउ्रिया में होता है इसका मतलब है माइट्रोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन जाती है फूड जाती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होते हैं और साथ हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज वाई वी से माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल अब ये ऑक्सीजन कहां तक कैसे पहुंचती है सेल uh, तक ऑक्सीजन सेल तक हीमोग्लोबिन के जरिए जाती है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहां से पिक करता है लंग्स इसके बरक्स रेस्परेशन uh, के दौरान ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये ब्लड के जरिए दोबारा लंग्स तक जाती है इसका मतलब है लंग्स में देर इज द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैसे स्टूडेंट ये जो रेस्पायरेशन का सारा प्रोसेस है ना इसका एक हिस्सा जो होता है ना दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग जिसे हम सांस लेने का अमल कहते हैं ब्रीथिंग के दौरान हम uh, हवा को अंदर ले जाते हैं दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन और फिर हम सांस के जरिए हवा को बाहर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सिलेशन अगर आप इसमें देखें ये मेरे पास एक टेबल है ये टेबल हमें बता रहा है कि वो हवा जो हम अंदर ले जाते हैं एयर इन उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज है 21 परसेंट और वो हवा जो हम एक्सल करते हैं यानी एयर आउट उसमें ऑक्सीजन जो है वो 16 परसेंट ट्वेंटी वन से सिक्सटीन परसेंट इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर डिफ्यूज हो गया इसके बरक्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर इन जो हम हवा अंदर ले जा रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाइ ऑक्साइड और वो हवा जिसे हम एक्सहेल कर रहे हैं जो एयर आउट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है फोर परसेंट इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि ऑक्सीजन वहां पे डिफ्यूज इन हो रही है ब्लड में डिफ्यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज आउट होती है ऐसा कैसे होता है इसके लिए मैं आपको ना एक डायग्राम से समझाना चाहता हूं स्टूडेंट ब्रीथिंग प्रोसेस को हम इस बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं uh, हमारा जो नेसल नेशनल कैविटी है इससे एयर एंटर हुई फिर ट्रेकिया के जरिए होती है ब्रोंकाई में ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल में आ गई और ब्रोक्योल के एंड पे एयर सैक्स होती है जिन्हें हम एलब्यूलाई कहते हैं एंड एल्ब्यूलाई इज कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरीज़। अब ना हवा के अंदर आने में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो मेन रोल है वो दो चीजें परफॉर्म करती है एक हमारे चेस्ट के अंदर जो रिब्स है रिब्स पसलिया और इन रिब्स के नीचे करके ना एक मस्कुलर कैविटी है दिस मस्कुलर कैविटी इज कॉल्ड डायफ्राम ये रिब्स और डायफ्राम इनकी वजह से हवा अंदर आती है इनकी वजह से हवा बाहर जाती है एक्चुअली होता क्या है जब ये डायफ्राम जरा ऊपर को उठता है ये लंग्स को पुश करता है और लंग्स को पुश करने की वजह से हवा जो है वो बाहर को जाती है और जब ये डायफ्राम नीचे आएगा लंग्स पे प्रेशर कम होगा लंग्स एक्सपेंड करेंगे और हवा इनहेल करेंगे एक और बात स्टूडेंट अब न जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, इस हवा में ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर 159 फिफ्टी टॉर है यानी वो हवा जो हम इनहेल करते हैं जो सांस के जरिए अंदर ले जा रहे हैं इस हवा में द पार्शल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन इज 159 फिफ्टी नाइन टॉर ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है, है। पार्शल प्रेशर ऑफ एयर इनहेल द पार्शल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन इन एयर इज 159 फिफ्टी टॉर और जो एयर हमारे लंग्स में उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 116, 116 टॉर ये दोनों बातें याद रखनी। अब उधर जाके पार्शियल प्रेशर एयर ऑक्सीजन का कम हो गया क्यों कम हुआ ड्यू टू यस ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर वेपर्स अब हुआ क्या इस डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन जो है दैट डिफ्यूज इन टू द ब्लड इसके बरक्स ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का आ, पार्शल प्रेशर ज्यादा है और बाहर पार्शल प्रेशर कम है तो इसका मतलब है कि ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट डिफ्यूज इन टू द एयर दैट कमिंग आउट इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के पार्शल प्रेशर में डिफरेंस किस डिफरेंस बाहर वाली हवा में और अंदर उस डिफरेंस की वजह से इन गैसेस का एक्सचेंज हो कार्बन डाइक्साइड दैट डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ब्लड एंड ऑक्सीजन दैट डिफ्यूज इन टू द ब्लड स्टूडेंट जो मेन बातें आपने याद करनी है रेस्पायरेशन में कि रेस्पायरेशन ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है और दूसरी बात जो आपने याद करनी है कि रेस्पायरेशन का एक हिस्सा जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं ब्रीदिंग में दो चीजें इन्वॉल्व हैं एक आपके पास है इनहेलेशन जिसमें ऑक्सीजन टेक्स इन या ऑक्सीजन डिफ्यूज इन टू ब्लड और एक्सेटेशन जिसमें सीओ टू मूव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एक और जो मैं आपसे कह रहा था कि एमसीक्यूज आपसे अक्सर पूछा जाता है मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं उसको तो याद रखना है कि पार्शल प्रेशर ऑफ पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन एयर एंड इन लंग्स तो हवा के अंदर ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर मैं बार बार कह रहा हूं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो हवा में ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर है 159 फिफ्टी नाइन टॉर ये एग्जाम में ऑप्शन आता है एंड द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स इज वन वन सिक्स टॉर एंड दिस इंफॉर्मेशन इज अकॉर्डिंग टू आवर बुक इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है यानी इसके बिल्कुल उलट है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू इसको बिजेन में रखना है तो मैंने क्या कहा कि इन एयर हवा में कम है कम और अगर आप इन लंग्स बात करें तो लंग्स में इसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल हम करते स्टूडेंट तीसरी जो एप्लीकेशन है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ब्रीदिंग ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड एट हायर एल्टीट्यूड ब्रीदिंग ब्रीदिंग का मतलब हुआ सांस लेना सांस लेना और हायर एल्टीट्यूड मीन बुलंदी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट वो समझने पड़ेंगे पहली बात आ, ये मेरे पास ये ये अर्थ सरफेस है आप इसे सी लेवल कह दें ले। सी लेवल सी लेवल पर प्रेशर फेयर हवा का जो दबाव है प्रेशर है वो वन एटमोस जिसे आप सेवन सिक्सटी टॉर भी ऑक्सीजन दैट इज वन फिफ्टी नाइन टॉर आवर आवर लंग्स आर रिवॉल्व टू ब्रेथ इन दिस प्रेशर कुदरत ने जो हमारे लंग्स बनाए हैं ना वो इस पार्शल प्रेशर वाली ऑक्सीजन उसके साथ एडजस्टेबल कंपेटेबल और इतने पार्शल प्रेशर वाली एयर उसमें से हम आसानी से इनहेल करते हैं एक्सेल करते हैं जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं हवा का प्रेशर कम होता जाए यानी अगर यहां पे, यहां पे 760 है तो अगर आप बहुत ऊपर चले जाएंगे यानी अगर आप तकरीबन 8000 फीट ऊपर चले जाएंगे आठ हजार फीट तो फिर यहां पे टोटल प्रेशर प्रेशरफियर वन एटमोस्फियर नहीं रहेगा कम हो जाएगा पच्चीस फीसद अगर टोटल प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली पार्शल प्रेशर भी कम होगा और जब पार्शल प्रेशर कम होगा तो उस हवा में उस हवा को इनहेल करना उसमें से ऑक्सीजन हासिल करना कदरे मुश्किल इट मीन जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायर है वो वहां से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही होगी अगर हम मजीद ऊपर जाए स्टूडेंट अगर हम बढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाए तकरीबन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से फोर्टी थाउजेंड फीट ये जो कमर्शियल फ्लाइट हैं कमर्शियल एरोप्लेन है, है ना वो आमतौर पर इस हाइट पर वो फ्लाई कर रहे होते हैं कमर्शियल एरोप्लेन तो इस पे जाके जो प्रेशर फेयर है वो तकरीबन आधा रह जाता है तकरीबन आधा आधे का मतलब पॉइंट फाइव जीरो एटमोस है और इसमें अगर आप प्रेशर ऑक्सीजन लेंगे वो भी इसका आधा रह जाएगा आधे का मतलब एक एटी टॉर रह जाएगा और इस ऑक्सीजन में इस हवा में से ऑक्सीजन गेन करना इतने कम प्रेशर वाले पार्शल प्रेशर वाला अगर आप इसमें सांस लेंगे तो पहले तो डेजीनेस फिर शॉर्टनेट ऑफ ब्रेथ और अल्टीमेटली अनकॉन्शियसनेस और अगर ये प्रोलॉन्ग पीरियड का रहेगा तो इट मे तो इसका मतलब है कि वो कमर्शियल फ्लाइट्स एरोप्लेन फ्लाइट्स जो इस हाइट पे मूव करती उनमें जो पैसेंजर है उनको फिर सराउंडिंग नॉर्मल एयर प्रोवाइड नहीं की जाती उनमें क्या किया जाता है स्टूडेंट जो कमर्शियल फ्लाइट हैं, जो एरोप्लेन्स एरोप्लेन्स हैं, उन के आगे करके ना जेट इंजन लगे होते हैं उन जेट इंजन के अंदर हैवी होती है। जब एयर उन टर्बाइंस में आती है वो टर्बाइंस एयर को प्रेशराइज करती है कंप्रेस करती है जब एयर को कंप्रेस करती जाती है ना वो हाईली कंप्रेस्ड एयर उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो वो पीछे बैक पे छोड़ देती है और वो जो बड़ा हिस्सा है वो पीछे फिर थर्स प्रोड्यूस करता है उस थर्स की वजह से जो एरोप्लेन है वो फॉरवर्ड मूव करता है लेकिन उस हाईली कंप्रेस्ड उस हाईली प्रेशराइज एयर है उसका कुछ हिस्सा कैबन्स के अंदर थ्रो किया जाता है जहां पे वो एयर कूल करके जो एग्जिस्टिंग एयर उसके जरिए सर्कुलेट की जाती है वो जो एयर प्रेस करके प्रेशराइज करके कंप्रेस करके अंदर भेजी जाती है कैबन के अंदर उसके अंदर जो प्रेशर है वो नॉर्मल एयर वाला यानी 159 फिफ्टी नाइन टॉर वाला पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन को मेंटेन किया और उसी पार्शल प्रेशर 159 फिफ्टी नाइन टॉर पार्शल प्रेशर वाली जो एयर है उसमें जब आप सांस लेंगे यू फील कंफर्टेबल तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एरोप्लेन जब हाइट पे मूव करते हैं तो इनके कैबन के, के अंदर कंप्रेस्ड एयर आई I मीन mean, प्रेशराइज एयर उसको थ्रो किया और वो प्रेशराइज्ड एयर सैटेस्फाइड लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इसी तरह अब एक और भी बात याद रखना कि जैसे जैसे मैंने जैसे कहा कि जैसे-जैसे हम हाइट पे जाएंगे जैसे-जैसे हम हाइट पे जाते हैं ना तो प्रेशर कम होता है पार्शियल प्रेशर, प्रेशर भी कम होता जाता है ऑक्सीजन जैसे आप मरी हिल्स पे जाएं मरी हिल्स पे प्रेशर एयर कम होके, हो के 700 टॉर हो जाए सेवन सिक्सटी से ये मरी हिल्स की बात कर रहा हूं मरी हिल्स तो अगर वहां पे प्रेशर एयर का कम होता है तो डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन वो भी लेस देन लेस देन वन फिफ्टी इस पर चला जाए और इसमें भी सांस लेना मुश्किल है जिसकी वजह से लंबे लंबे सांस लेने पर अगर हम मजीद ऊपर जाए यहां पर यानी अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाए वहां पे प्रेशर ऑफ एयर और कम हो जाता है 323 ट्वेंटी और इसमें पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाता है आप इसका 21 निकाल लो इसका मतलब है कि जो माउंटेनियर्स हैं जो कोह पैमा है वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस लेके जाते ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड अब इसके बरक्स ब्रीदिंग ब्रीदिंग इन डी सी वाटर ये उसके अब स्टूडेंट ये है दिस वन इज द सर्फस वाटर अगर कोई स्विमर सर्फस ऑफ वाटर पे स्विमिंग कर रहा है तो सर्फस ऑफ वाटर पे प्रेशर ऑफ एयर दैट इज वन एटमॉस नो प्रॉब्लम फॉर स्विमर नो प्रॉब्लम फॉर स्विमर टू ब्रथ कोई मसला नहीं नॉर्मल एयर के साथ इन कॉन्टेक्ट है पार्शल प्रेशर यह है वो इजिली जो सकती है लेकिन अगर हम डीप सी डाइवर जिम्मे जिन्हें हम स्कूबा डाइवर भी कहते हैं जो डीप सी जो गहरे पानी में आ, गोता लगा रहे स्टूडेंट जब आप ना पानी के अंदर हंड्रेड फीट हंड्रेड फीट को हम ना हंड्रेड फीट को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो दिस वन इज थर्टी मीटर अगर हम पानी के अंदर हंड्रेड फीट आई मीन थर्टी मीटर की डेप्थ पे जाएं तो यहां पे हवा का प्रेशर तीन गुना ज्यादा हो जाता है यानी अगर यहां पे वन एटमोसफियर है तो यहां पे प्रेशर हो जाता है थ्री एटमोसफियर मैं तो एक कदम और आगे बढ़ता हूं मैं तो यह कहूंगा कि यहां पे जो डाइवर है वो तीन एटमोसफियर नहीं ही एक्सपीरियंसिस फोर एटमोसफियर प्रेशर ये फोर कैसे हुआ स्टूडेंट ये थ्री एटमोसफियर तो डेप्थ की वजह से हुआ ना तो वन एटमोसफियर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है तो थ्री एटमोसफियर ये डेप्थ का और वन एटमोस एटमोस्फेरिक प्रेशर तो टोटल वो एक्सपीरियंस करता है महसूस करता है फोर एटमोसफेयर अब जरा कंपैरिजन देखो स्टूडेंट uh, कंपैरिजन में ये मेरे पास ना uh, दो uh, मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं एक एट सरफेस और एक हंड्रेड फीट या थर्टी मीटर इन द डेप्थ ऑफ वाटर अब दोनों में फर्क देखें सरफस प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ़ एयर इज वन एटमोस और उधर आप देखेंगे द प्रेशर ऑफ एयर इज फोर एटमोस अब चार गुना बढ़ गया अब दूसरी बात ये जो है सरफस इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 फिफ्टी और उसमें फोर टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब अगर आप इन दोनों डायग्राम में देखेंगे ये जो ब्लू डॉट्स हैं दे आर द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और जो रेड हैं, दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन तो अगर आप उधर देखेंगे 100 फीट डेप्थ या 30 मीटर डेप्थ पे जाकर लंग्स के अंदर जो ना सिर्फ ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ गई बल्कि नाइट्रोजन की मिकार अब ये जो इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे आर फैटर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एक खास लेवल से और इसे थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और डिजीज ऑक्सीजन इसी तरह नाइट्रोजन इट इज़ इज़ीली ब्लड डिफ्यूज़ेबल आसानी से ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है और अगर इसकी कंसंट्रेशन इससे भी बढ़ जाए तो एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन नौ तो वो काज करती है इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह है कि हम आ, हम 30 मीटर या 100 फीट डेप्थ पे जो हम स्कूबा डाइवर्स को गैस सप्लाई करेंगे वो नॉर्मल एयर सप्लाई नहीं कर सकते हम मिक्सचर ऑफ टू गैसेस एंड मिक्सचर इज कार्ड हेलोक्स एच एल आई ओ एक्स एक्चुअली हेलियोक्स इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इट कंटेन्स हीलियम पर ऑक्सीजन। अब यहां एक बड़ी अहम बात स्टूडेंट ये जो हेलियोक्स हमने स्कूबा डाइवर की बैग पे वो एक सिलेंडर है उस सिलेंडर में हेलियोक्स को हम फिल करते हैं अब वो जो सिलेंडर का रेगुलेटर है वो सारे के सारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है अब आपने जेन में रखना है कि यहां पे इसे चाहिए फोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी फोर एटमोस्फियर इसका मतलब यह हुआ कि आप इन दोनों गैसेस का टोटल प्रेशर लेंगे फोर एटमोस्फियर और फोर एटमोस्फियर में जो हमने ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर एडजस्ट करना है ना वो रफली 150 टू 160 के बीच में आए तो हम क्या करेंगे हम ऐसी कैलकुलेशन करेंगे कि इस फोर एटमोस्फियर में पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी वन फिफ्टी टू वन सिक्सटी टॉर इसके सेंटर में ऑक्सीजन तो लेंगे 4%। तो जब हम ऑक्सीजन को 4% लेंगे द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 152 फिफ्टी टॉर इसी तरह स्टूडेंट अगर यही स्कूबा डाइवर 30 मीटर की बजाय 100 मीटर नीचे जाए और नीचे जाए तो जितना ये नीचे से नीचे जाता जाएगा उतना प्रेशर ऑफ एयर बढ़ता है। हंड्रेड फीट पे जाकर हंड्रेड मीटर पे जाकर अब द टोटल प्रेशर इज टेन एटमोस्फियर इसका मतलब है अब आपने जो मिक्सचर ऑफ़ हीलियम एंड ऑक्सीजन सप्लाई करना है उसका टोटल प्रेशर वो तो टेन एटमोस्फियर हो लेकिन उसमें ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर 150 टू 160 इसकी रेंज में एडजस्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी टू परसेंट और आपको हीलियम लेनी पड़ेगी नाइनटी एट परसेंट इसका मतलब है कि स्कूबा डाइवर के जो टैंक है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिक्सचर अब इनकी प्रोपोर्शन क्या रखनी है ये डिपेंड करता है कि स्कूबा डाइवर किस डेप्थ पे जा रहा स्टूडेंट uh, आज के इस लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको कंसेप्चुअली इन चीजों को समझाया जाए हमारी जो टेक्स्ट बुक है उस पर जो सेंटेंस लिखे हुए इन चारों एप्लीकेशन से रेलिवेंट वो कुछ ज्यादा नहीं है वो आसान है मैंने आपको कंसेप्चुअली और डेप्थ के साथ समझाया ताकि आप इन तमाम जो एप्लीकेशन है जो एवरीडे लाइफ में जिनका तलक डार्ट एन है इसको आप आसानी से मेरी दुआ है कि अल्लाह हुनर में, में इजाफा फरमाए अल्लाह ताली आपको नेक आ, काम करने को तौफीक दे माँ बाप का बरदार बनाए असल